क्या गौरी खान होंगी गिरफ्तार? क्या गौरी खान जाएंगी जेल? बेगुनाह आर्यन खान के 28 दिन की जेल और फिर पूरी तरह से निर्दोष होकर जेल से छूटने के बाद शाहरुख खान का परिवार एक बार फिर आया मुसीबत के घेरे में। पत्नी गौरी खान के खिलाफ थाने में हुई FIR दर्ज। नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड नजर में आपका स्वागत है। फिल्म प्रोड्यूसर और इंटीरियर डिजाइनर गौरी खान के खिलाफ लखनऊ के थाने में एक FIR दर्ज हुई है, जिसने पठान की सफलता सेलिब्रेट कर रहे खान परिवार की खुशियों पर पानी फेर दिया है। दरअसल मुंबई के रहने वाले किरिट जसवंत शाह ने दावा किया है कि उन्होंने लखनऊ में तुलसियानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स लिमिटेड के एक प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदा था, जिसके लिए उन्होंने अब तक कंपनी को 46 लाख रुपए दिए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें फ्लैट नहीं मिला। उस शख्स का कहना है कि तुलसियानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर गौरी खान थी और उन्होंने प्रचार के दौरान कहा था कि सुल्तानपुर रोड पर एक बड़ा अपार्टमेंट बना रही है, जिससे प्रभावित होकर उस शख्स ने कंपनी का फ्लैट बुक करा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लैट के पूरे पैसे लेकर कंपनी के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल कुमार तुलसियानी ने उसे अक्टूबर 2016 में फ्लैट का पोजीशन देने का वादा किया था, लेकिन जब उसे फ्लैट नहीं मिला तो उसने इस मामले पर जांच की और पता लगा कि जो फ्लैट उसने बुक कराया था उसका अग्रीमेंट कंपनी ने किसी और के नाम से कर दिया है। फिर 2017 में कंपनी के डायरेक्टर महेश तुलसियानी ने उन्हें 23 लाख रुपए वापस किए और वादा किया कि अगर उन्हें 6 महीने में पोजीशन नहीं मिला तो पूरा पैसा ब्याज के साथ वापस कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक उसे पूरे पैसे नहीं मिल पाए हैं, जिससे परेशान होकर उस शख्स ने बिल्डर और ब्रांड एम्बेसडर गौरी खान के खिलाफ धोखाधड़ी के इल्जाम में FIR दर्ज करा दी है। दोस्तों, सारे सेलिब्रिटीज की यही कहानी है कि पैसे के लिए वो किसी भी ब्रांड या प्रोडक्ट का प्रमोशन करने से नहीं परहेज करते, चाहे वो गुटखा हो, शराब हो या फिर फ्रॉड कंपनीज। सेलिब्रिटीज में लोगों का भरोसा होता है, इसलिए किसी भी सेलिब्रिटी को फ्रॉड प्रोडक्ट को अनजाने जाने में प्रमोट नहीं करना चाहिए। तो सेलिब्रिटीज को किसी भी ब्रांड का एम्बेसडर बनने से पहले उसकी पूरी जांच नहीं करनी चाहिए? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए बॉलीवुड नजर।